तलबा के लिए ये बहुत ही खुशी का मौका होता है और बिलखसूस उनके वालिदैन के लिए कि जब उनका लफ्ते जिगर नूर नज़र अल्लाह की लारैब और मुकद्दस किताब को अपने सीने में जमा करता है तो ये ज़िंदगी का बहुत ही अहम तरीन मरहला होता है। दुनिया की डिग्री हो या ये कुरान और सुन्नत के पढ़ने की असनाद हों तो ये तलबा के लिए बहुत ही खुशी का मौका होता है। आप सब भाई तशरीफ़ लाए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जो उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब हम अपने इन तलबा को जिन्होंने हिफ्ज़े कुरान तक की तकबीर की सआदत हासिल की है उन्हें असनाद देते हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश थी कि अलामा साहब के हाथों से उनके दस्ते मुबारक से हम असनाद बच्चों को दें। तो मैं जिस बच्चे का नाम बोलूँगा वो यहाँ पर आए और अलामा साहब से अपनी सनद वसूल करें। सबसे पहले तालिबे इल्म है अब्दुर्रहमान तस्नीम अख्तर। ये बच्चा तशरीफ लाए। सलाम अबू बकर हसन। अबू बकर मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद उमर लियाकत। सबसे आखिर में अहमद अली बिन राशिद अली। ये भी और इससे पहले अबू बकर हसन दोनों भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इन्होंने आगाज़ किया, डेढ़ साल में कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज किया है। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी में मज़ीद दीनी और इस्लामी उलूम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग यहाँ के इदारा चलाने में मुआवेनीन हैं, असातिज़ा किराम हैं, जो जो भी मुतालिकीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके घरानों को खुशियों से भर दे।